नमस्कार दोस्तों, आज दशहरा है और आप सभी को इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रावण को तो हम हर साल जलाते हैं, लेकिन क्या आपने अंदर के रावण को जलाया है कभी? यहाँ पे राम और रावण से किसी इमेज का मतलब नहीं है। यहाँ पे राम और रावण से मेरा मतलब है हमारे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स। नेगेटिव एस्पेक्ट्स यानी कि गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, घमंड, हिपोक्रेसी, डिसलॉयल्टी, डिसऑनेस्टी और ऐसे बहुत सारे अवगुण जो हमारे अंदर होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता धीरे धीरे ये कैसे हमारे बेसिक नेचर को चेंज कर देते हैं। बनना ही है तो राम जी की तरह बनिए, जिनने पिता के एक वचन के लिए अपना राज सिंहासन छोड़ दिया, 14 वर्ष का वनवास काटा। अपनी सिंप्लिसिटी, अपनी मर्यादा के लिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए और पूरा विश्व आज उन्हें श्री राम के नाम से जानता है। जीते तो हम सब हैं अपने लिए, बट दूसरों के लिए बहुत कम लोग जीते हैं। हर इंसान आज अंदर से परेशान है, अंदर से भरा पड़ा है। हर किसी को कुछ ना कुछ प्रूव करना है, किसी को कुछ रिश्तेदारों को प्रूव करके बताना है, किसी को कुछ दोस्तों को प्रूव करके बताना है। सब प्रूव करने में लगे हुए हैं, खुद को प्रूव करने में। किसी को प्रूव करने के लिए आप अपनी लाइफ के इतने सारे साल खर्च करते हैं और वो प्रूव करने के बाद भी जिस डेजिग्नेशन, जिस पोजिशन पर आप पहुँचते हैं, वहाँ जाके अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो ज़रा विचार कीजिए, आपने अपने इतने साल अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों या अपने आसपास वालों को दिखाने के लिए खर्च किए, खत्म किए, और वहाँ पहुँचने के बाद भी अगर आपको सुकून नहीं मिल रहा है तो ऐसा दिखावा किस काम का। वो कहते हैं ना, द बेस्ट रिवेंज इज नो रिवेंज। अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिए। किसी न किसी सर्कमस्टांसेस में आपसे रैंडमली कुछ कह दिया, उसकी बात को पकड़ के आप बैठ गए कि नहीं मुझे इसे प्रूव करना है, प्रूव करना है, वो बंदा तो अपनी लाइफ में कब का आगे बढ़ चुका है इस बात को भूल के, लेकिन आप उसको पकड़े हुए हैं, उसको प्रूव करने में लगे हुए हैं। ऐसी जिंदगी मत जिए। जिंदगी एक ही बार मिलती है, टाइम जा रहा है, बार बार नहीं मिलता। जो भी आपको अच्छा लगे वही करिए, वही आपके लिए बेस्ट है। जो आपका बेसिक नेचर है, अपने बेसिक नेचर को ऑब्जर्व करिए, अपनी पसंद को देखिए। अगर आप अपनी पसंद को अपने प्रोफेशन में चेंज कर पाएँ और उस प्रोफेशन को अर्निंग में चेंज कर पाएँ तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पेंटिंग करना आती है, नॉर्मल कोई पेंटिंग करता है तो हाँ वो उससे उतने बड़े लेवल पे नहीं जा सकता, लेकिन आप उसी पेंटिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे डिजिटल पेंटिंग जो US, UK, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा है, उसको सीखिए। इस तरह से आप अपने करियर को पेंटिंग में एक्सपांड कर सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग फील्ड से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। टाइम और ये लाइफ भगवान के दिए हुए दो सबसे अनमोल उपहार हैं, तो किसी को भी प्रूव करने के लिए अपना समय और अपनी लाइफ खराब मत करिए। जो भी आपको पसंद है वो करिए, क्योंकि लाइफ सिर्फ एक ही बार मिलती है। डेली बेसिस पे खुद को अपग्रेड करते रहिए, नई नई चीज़ें सीखिए, एक्सप्लोर करते रहिए लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को। निकालिए आप अपने अंदर से कितना कुछ निकाल सकते हैं, अपने पोटेंशियल को चैलेंज करिए, लाइफ को फेस करिए, चैलेंजेस को फेस करिए। ये डिप्रेशन, ये सब चीज़ें 1990s में इसका कुछ नाम भी नहीं सुनता था, आजकल ये इतना कुछ बढ़ गया है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लाइफ को एक्सप्लोर करिए, अपनी लिमिट्स को पुश करिए, अपने पोटेंशियल को पहचानिए और लाइफ में जितना हो सके उतना ज़्यादा सीखिए। बुक्स पढ़िए, नई नई चीज़ें सीखिए, कोडिंग सीखिए, पेंटिंग सीखिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर करिए, क्या पता इनमें से कुछ आपके करियर को एक नए मुकाम पर पहुँचा दें। तो इस वीडियो को मैं समअप करता हूँ। दशहरे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप यू लाइक द वीडियो। आई विल बी बैक सून विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।